माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जिसे विपक्ष लगातार बुनता रहा, लगातार आड़े हाथों मोदी सरकार को लेता रहा, लेकिन कुछ घंटे पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान जो है ठीक 2024 से के इलेक्शन से पहले किया गया है, तो जानी की गौरतलब है जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को बुलाने में तो जुटेगा ही और सवाल तो खड़े करेगा ही। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी देश के अंदर किस प्रकार बढ़ रही है, जिस प्रकार तमाम वो पद जिन्हें भरा जाना था उन्हें एकाएक वापस लिया गया, लोगों ने अप्लाई किया, बच्चों ने अप्लाई किया लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही थी। हर एक राज्य की अगर बात करें तो वहां पर नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि देश के अंदर जो है वो नौकरियों के स्थान जो थे वो खाली नहीं थे, बहुत सारी वैकेंसीज जो थी वो पड़ी हुई थी देश के अंदर, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन वैकेंसीज को लटकाया जा रहा था, उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए जो था वो एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा था। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने अधिकारियों के साथ एक कैबिनेट मीटिंग ली, जिसमें तमाम मंत्री जो थे उन्होंने शिरकत करी, तमाम डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को उस मीटिंग के साथ जोड़ा गया और दिशा निर्देश दिए गए। दिशा निर्देश ये दिए गए कि आने वाले लगभग डेढ़ साल के अंदर अंदर 10 लाख देश के ऐसे युवा होंगे जो सरकारी नौकरी हासिल कर पाएंगे और मिशन जो रोजगारी है उस पर अब प्रधानमंत्री मोदी और उसकी टीम जो है वो फोकस करेगी। लेकिन गौरतलब है और लाजमी भी है कि 2022 आ चुका है और 2024 में इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चुनावी स्टंट जो है उसे खेला? ये विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस इसे आड़े हाथों ले रही है और कांग्रेस कह रही है कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था 2014 में, उसका क्या हुआ? अब एक और नया जुमला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने छोड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी जो है वो युवाओं को दी जाएगी और रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी। डेढ़ साल का वक्त जो है वो कहा गया, यानी कि 18 महीने लगभग लगेंगे और इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। अब इस मिशन मोड को किस तरीके से मोदी सरकार जो है वो पूरा करती है, मैंने आपको सुनाया अनुराग ठाकुर किस तरीके से बयां कर रहे हैं, किस तरीके से दिशा निर्देश जो हैं प्रधानमंत्री ने तमाम उन विभागों के अधिकारियों को दे दिए हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें कह दिया गया है कि डेढ़ साल के अंदर अंदर आपके विभागों के अंदर जितने भी रिक्त स्थान हैं, जो वैकेंसीज हैं, उन्हें एडवर्टाइज कर उन पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसे शुरू किया जाए। अब वो कौन से देश के 10 लाख युवा होंगे जिन्हें सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका हासिल होगा? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम जो है वो फोकस कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जिसे लगातार विपक्ष जो था आड़े हाथों केंद्र को लेता था, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी लग रहा है कि अगर आने वाले समय में देश के अंदर इलेक्शंस होती हैं और हमें एक बार फिर से सत्ता में आना है तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसे विपक्ष जो है वो बुनने में जुट जाएगा और हमें इसी पर हथौड़ा जो है वो मारना होगा। तो इसी वजह है, क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक चुनावों से पहले बेरोजगारी पर एक हथौड़ा मार दिया है और 10 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया है और लगभग 18 महीने यानी कि डेढ़ साल का वक्त लगेगा, डेडलाइन भी तय की गई है। तमाम अधिकारी को कह दिया गया है आपके विभागों के अंदर जितने भी रिक्त स्थान हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं जो खाली पड़ी हुई हैं
उन्हें जल्द से जल्द एडवर्टाइज किया जाए और भर्तियों का सिलसिला शुरू किया जाए। साफ तौर पर दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता है, वाकई में 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, तो चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष तो आड़े हाथों लेगा और एक बार फिर से इसे चुनावी स्टंट की तरह ही लिया जाएगा। लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, तो गौरतलब है और लाजमी है इसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। और अब देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि 10 लाख रोज़गार देने जा रहा हूँ, तो वो रोज़गार वाकई में मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान, बड़ा हथौड़ा मारा उन्होंने बेरोजगारी पर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ा ऐलान कर दिया है, 1.5 साल के अंदर लगभग 10 लाख रोज़गार, 10 लाख नौकरियां आप लोगों को मिलने जा रही हैं। किसी भी राज्य का युवा इसमें अपना दमखम, इसमें अपने जो किस्मत है उसे आजमा सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। देशभर के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, 1.5 साल में 10 लाख नौकरी मिलने जा रही है, ऐसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। बाकी तो अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर, के साथ शो मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।